गाइस ये है श्री वाल्मीकि रामायण भवन। बॉक्सेस हैं, आपको पता है यहाँ पे श्रद्धालु राम नाम को करोड़ों बार लिख कर जाते हैं। और तो गाइस ये है श्री वाल्मीकि रामायण भवन। तो अभी हम श्री वाल्मीकि भवन में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम श्री वाल्मीकि भवन में प्रवेश करने के बाद इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार गुरुजी। रामायण एंड हनुमान चालीसा और भी अनेक चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एंड दिस इज जस्ट सो मिसमराइजिंग। इस पूरे यहाँ के इस भवन के वॉल्स में मतलब एक तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं और इट इज़ सो मैसिव वॉल्स। और ये जो मैसिव वॉल्स है मैं तो यहाँ तक भी नहीं आ रही हूँ, तो आपको मैं ये पूरा वो जो टॉप है ना, वो जो टॉप है वहाँ से एक्चुअल में रामायण स्टार्ट हुई है। तो आप अभी पूरे रामायण को जैसे हम सीरीज में देखते हैं वो पूरे हर एक वॉल में आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत जूम करके दिखाऊंगी। देखिए ये सुनिश्चित अक्षरों में बहुत ही अच्छे और हमारे हिंदी संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया है और पूरा कंप्लीट रामायण मतलब कि रामायण में क्या क्या हुआ। और हमने जो सीरीज़ टीवी में हमने जो देखा है या मूवीज़ में जो हम देखते हैं वो 2 घंटे की मूवी होती है, वो कंप्लीट नहीं होता है। ये इसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि मुझे तो ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं मतलब यू नो आई एम फीलिंग सो आप खुद सोचिए कि हर मतलब उतने मतलब वो जो वॉल्स है वो इतने ज़्यादा मैसिव है। और उस पूरे ये देखिए ये है गुरुचरण सेवा ये। और इस वॉल्स में से ये तो मतलब मैंने आपको जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया है। इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ये संस्कृत में लिखी हुई है। तो आपको मैं बता दूँ संस्कृत की एक वर्ड अगर हम हिंदी में इसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो एक सेंटेंस में क्रिएट होता है और संस्कृत में वो लिखी हुई है वो यहाँ से लेकर पूरा कंप्लीट। ये तो समझ लीजिए ये एक वॉल है, ठीक है। इसके साथ साथ ये पूरे वॉल्स में और वो भी ये ग्राउंड फ्लोर में इसके साथ साथ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी है। तो समझ लीजिए कि हमारे सतयुग में जो रामायण कंप्लीट जिसे जानने की इच्छा है वो इस भवन में तो मतलब आना ही आना है उसे। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर गुरुजी भी बैठे हैं और गुरुजी से भी मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा ये लव कुश है और ये वाल्मीकि जी हैं। अच्छा तो ये जो है ये राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं जी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। और जो बीच में जो है वो है वाल्मीकि जी और ये जो दोनों हैं ये दोनों लव कुश जी हैं। हाँ
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपसे मिलकर। श्री राम। ये जो पूरे संस्कृत में ये जो पूरा वर्णन किया हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि हर एक वॉल में ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट वॉल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, मैसिव है। एंड यू नो ये बहुत ही ज़्यादा इट्स काइंड ऑफ यू नो जो किला होते हैं ना, वैसा सा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर। और ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं ना गाइज, इतने सारे जो बॉक्सेस हैं, आपको पता है यहाँ पे श्रद्धालु राम नाम को करोड़ों बार लिख कर जाते हैं, और उसे यहाँ पर राम जी के मतलब यू नो राम जी तक पहुँचाने के लिए ये वो छोड़ के जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे, ये जो जितने भी आप देख रहे हो, ये सब श्रद्धालु अपनी भावनाओं को राम नाम को करोड़ों बार लिखकर छोड़कर गए हैं। तो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। और ये जो वाल्मीकि भवन में ये कंप्लीट संस्कृत में पूरे रामायण को जो वर्णन किया गया है, ये आपको कैसा लगा? और अगर आप अयोध्या आए और अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर 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 यहाँ पर विज़िट करें। और मैंने तो दिखाया कि कैसे श्रद्धालु करोड़ों करोड़ों यू नो जो बॉक्सेस में लिख कर जाते हैं राम नाम। तो उसी के साथ दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।